लाहौर और गिरदोनवाह में धुंध के जेरे, मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे M4 और मोटरवे M5 भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। तर्जमान मोटरवे पुलिस की, शहरियों को मोटरवे का गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। सर्द मौसम में भी लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, लेस्को को 600 मेगावाट बिजली के शॉर्ट फॉल का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 5 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। दही इलाकों में 8 से 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी सख्त अजियत में मुब्तला। अंडे और चिकन आउट ऑफ किचन, दोनों की कीमत में होशरबा इजाफा। ब्रायलर एक ही रोज़ में 23 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 638 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर के दाम भी 16 रुपये फ़ी किलो बढ़ गए। जिंदा ब्रायलर होल सेल 424 पर चून रेट 440 रुपये किलो पर बरकरार। अंडे मजीद 2 रुपये महंगे, फ़ी दर्जन कीमत 402 रुपये हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 11,940 रुपये की हो गई। ज़रई मुल्क में काश्त प्याज के नर्ख नाकाबले बर्दाश्त, कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। मार्केट में 260 रुपये किलो की बुलंदतरीन सतह पर फरोख्त होने लगा। अदरक और लहसुन 760, टमाटर 150 रुपये किलो में बिकने लगे। मटर 320, शिमला मिर्च 230, मेथी 200, गोभी 150 रुपये किलो में फरोख्त होने लगी। अनार 950, खजूर ईरानी 600, सेब 400 और अमरूद 160 रुपये किलो में दस्तयाब। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी, ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 12 पैसे सस्ता, इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपये 24 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 283 रुपये में फरोख्त होने लगा। तलबा की सहूलत के लिए ई सर्विसेज मोबाइल ऐप का इफ्तिताह कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ऐप का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, डिग्री और रिजल्ट कार्ड की तस्दीक का अमल ऑनलाइन होगा। पंजाब के बाकी 8 बोर्ड्स भी ऑनलाइन करने जा रहे हैं। उम्मीद है आने वाली हुकूमत भी तालीम के शोबे में बेहतर काम करेगी। चाहे वो आपका NOC हो ट्रांसफ़र करने का, आपकी बोर्ड, आपकी जो डिग्री है किसी भी किस्म की, या रिज़ल्ट कार्ड जो है उसकी वेरिफिकेशन है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी है, या बोर्ड से रिलेटेड तकरीबन मेजॉरिटी चीज़ें जो आपको आना पड़ता था स्टूडेंट्स को यहाँ पे, वो सारी की सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन हो गई हैं। पंजाब के बाकी 8 बोर्ड हैं, होपफुली विद इन अ वीक, 1 हफ्ते में इंशाल्लाह वो भी इसी तरह ऑनलाइन करने जा रहे हैं।